श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना। हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024159599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग यादव धर्म कांटा के पीछे उतैली सतना मध्य प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पीड़ित ने ऑर्थो सर्जन डॉक्टर के खिलाफ सही तरीके से उपचार न किए जाने का आरोप लगाते हुए रीवा एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और पुलिस अधीक्षक से जांच की मांग की है। जहां ऑर्थो सर्जन डॉक्टर अमित कुमार त्रिपाठी द्वारा मेरे पैर की टिबिया फ्यूबुला बोन का ऑपरेशन कर मुझसे 82,380 रुपए नगद लिए गए और मुझसे लाखों की दवाई खुद की मेडिकल स्टोर से अलग से दवाइयों की खरीदवाई गई और मुझे दिनांक 25 मार्च 2020 को मेरे निवेदन पर छुट्टी दी गई। ये कि मैं डिस्चार्ज होने के पश्चात डॉक्टर अमित कुमार त्रिपाठी के पास बार बार जाकर अपना उपचार कराता रहा, किंतु श्री त्रिपाठी द्वारा मेरे पैर में ऑपरेशन में की गई गलती के कारण ऑपरेशन कर प्लेट लगाने के पश्चात भी मेरे पैर की हड्डियां नहीं जुड़ी और मैं स्थायी रूप से विकलांग हो गया हूं। चिकित्सक अमित कुमार त्रिपाठी द्वारा मनमानी पैसा लेने के पश्चात भी मेरे जीवन के साथ की गई उपचार में लापरवाही अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं डॉक्टर अमित कुमार त्रिपाठी के इस आपराधिक कृत्य के कारण मेरा शेष पूरा जीवन नष्ट हो गया है और मैं अपने आप में अत्यंत दुखी हूं और खुद की लापरवाही और शेष जिंदगी जीने में अत्यंत कष्टदायी अनुभव कर रहा हूं। कुमार दुबे है, एसपी कार्यालय है, क्या शिकायत लेकर आया? मेरा 10/3/2020 को मेरा कार एक्सीडेंट में पैर टूट गया था, जिसके इलाज के लिए मैंने शांति नर्सिंग होम ट्रामा सेंटर में भर्ती हुआ, जिसका संचालक कर रहे अमित कुमार त्रिपाठी जी ने मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में उन्होंने बोला कि पैर टूट गया है, जिसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के दौरान उन्होंने प्लेट वगैरह सब चीज़ डाली और मेरा पैर बस टूटा था ओनली। उन्होंने मेरा ऑपरेशन घुटनों में कर दिया, जिसके कारण आज मैं विकलांग हो गया। मेरे को चलते नहीं बन रहा, मेरे को चलने में दिक्कत आती है एवं हॉस्पिटल में मैं बार बार जाता हूँ, हर बार बताता हूँ सर मेरे को दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत आ रही है। सर ये कह के टाल देते हैं कि अभी तो कुछ दिन हुए ही है, आज एक साल होने को आया है। मैंने अभी दूसरे जगह भी ऑपरेशन कराया, जिसको मैंने अभी बताया कि मेरे को सर ये दिक्कत हो रही है, अभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे मैंने ऑपरेशन कराया तो वहाँ पे ये पता चला कि उन्होंने ऑपरेशन करके स्क्रू जो लगते हैं प्लेट में तो ऊपर नीचे कर दिए थे, जिसकी हड्डी मेरी जुड़ नहीं पाई। इन्होंने लाखों की दवाइयाँ खिला डाली, मेरा अभी भी पैर ठीक से जुड़ा नहीं, हड्डी अभी टूटी पड़ी हुई है। कहाँ पर अस्पताल है ये? शांति नर्सिंग होम ट्रामा सेंटर रिलायंस पेट्रोल के पंप के पास मानस नगर बारह में स्थित है। आपका भर्ती हुए 10/3/2020 को, 10/3/2 आरोप की गलत ऑपरेशन जी, उनकी लापरवाही से आज मैं विकलांग हो गया है। कितने लाख रुपए लगभग? समथिंग 2-2.5-3 लाख के समथिंग मेरे पास बिल है, बाकी पैसे को तो कोई हिसाब नहीं होता। मैं क्या है कि उन्होंने मेरे पैर के साथ लापरवाही करके मुझे विकलांग कर दिया है, मेरे को सिर्फ शिकायत इतनी है। हॉस्पिटल का 2.5-3 लाख रुपए का बिल है, बाकी जो दवाई का अलग है। जी जी, अभी एसएफसी ने उन्होंने बोला है 10-15 मिनट रुकिए, आपको बताते हैं। अभी यहाँ पे जैसा भी होगा रिस्पांस मिलेगा, इसके बाद मेरे को कलेक्ट्रेट पे भी अपना ज्ञापन देना है, इसके बाद जैसे वहाँ पे आदेश मिलेगा तो मैं उनके अपने भाई होने का दोषी किसे ठहरा दें? मैं हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल के कर्मचारियों को, क्योंकि उन्होंने अगर सही तरीके से मेरा इलाज किया होता तो मेरे को आज ये दिन देखने न पड़ते। अमित त्रिपाठी का नाम बता, अमित कुमार त्रिपाठी, शांति नर्सिंग ट्रामा सेंटर। अपना नाम बता दीजिए। सचिन कुमार दुबे, गांव पोस्ट दुग्गमा, जिला रेवा, मध्य प्रदेश। इसका एक्सीडेंट हुआ था मनगवा में, जो कि यहाँ पे आया था उसका इलाज हुआ आपके यहाँ पे। अब उसका कहना है कि उसका जो ऑपरेशन हुआ गलत तरीके से हुआ, गलत उसके घर वालों को जानकारी भी नहीं दी गई। अब वो एसपी ऑफिस साहब के नाम से आवेदन दिए देने गए थे, आरोप है आपके ऊपर, तो आप क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से वो यहाँ पर आया था? देखिए, वो महाशय ने ऑपरेशन कराया था मेरे यहाँ कराया था, उनको चोट लगी थी, उनका ऑपरेशन सही ढंग से किया गया था। ऑपरेशन के समय ही, ऑपरेशन के दौरान जब वो यहाँ भर्ती थे तो किसी भी जो हम उनको सलाह देते हैं उसका किसी भी ढंग से पालन नहीं करते थे, समय पर दिखाते नहीं हैं। अभी भी जब वो पिछली बार आए हैं तो हमको धमकी दे के गए थे कि हम आपको देख लेंगे ओपीडी में, क्योंकि आप नंबर नहीं लगवाते हैं। उनका हर बार का यही धंधा रहता है कि वो कभी भी आते हैं तो मरीज की भिड़ी ओपीडी में आते हैं, मरीज को अपना नंबर बिल्कुल नहीं लगवाते हैं और तुरंत हमको सलाह चाहिए, अभी हमको सलाह चाहिए, हम ठीक नहीं हो रहे हैं। आप अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप डॉक्टर का नंबर लगवा कर उसको दिखाएंगे, उसकी सलाह का पालन करेंगे, जैसा होगा उसका उपयुक्त उपचार किया जाएगा। अब आप नंबर नहीं लगवाओगे, अभी परसों नर्सों आए थे, नंबर नहीं लगवाए, और जब हमने ये कह दिया कि नहीं उस दिन भीड़ बहुत थी, सोमवार का दिन था, आप नंबर कल लगवा कर आइए, कल दिखाइए,
तो वो हमको धमकी देते गए कि हम आपको देख लेंगे। तो अब वो जाकर SPI साहब को आवेदन देते हैं तो ठीक है, उसका एक निश्चित फोरम होता है, अगर उनको लगता है कि मैंने ऑपरेशन सही नहीं किया है तो वो जो कंज्यूमर फोरम होता है उसमें जाकर शिकायत करें। या SP साहब को हमने क्या कोई फौजदारी का तो मामला है नहीं कि SP साहब को आप शिकायत कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से वो मरीज जो है वो बात नहीं मानता है, वो मरीज जो है सलाह ठीक से नहीं मानता है, और वो समय पर नंबर लेकर डॉक्टर को नहीं दिखाता, और इस तरीके की चीज़ों में हम लोगों को भयभीत करना उसका एक प्रकरण टाइप का होगा। वो दो चार लड़कों को लेके आता है और देख लेने की धमकी देता है हर बार। पिछली बार भी उसने ऐसा किया था जब वो आया था, तो तब भी मैंने उसको देख लिया था, बिना फीस लिए देखा था। आज भी वो यही कर रहा था परसों नर्सों जब आया था। तो अब ऐसे जो गलत मानसिकता के लोग हैं उनका मैं क्या कर सकता हूँ? उनका मेरा जवाब यही है कि वो अपनी मानसिकता ठीक करें और मेरे पास आए, मैं अभी भी उनका इलाज करूंगा, मेरे को उसे भी इलाज करने में कोई दिक्कत नहीं। गलत आरोप नहीं, गलत तो इलाज गलत किसने किया है? वो किसी डॉक्टर से लिखवाए कि मैंने इलाज गलत किया है? उसका एक फोरम है ना, कंज्यूमर फोरम है, कंज्यूमर फोरम में वो इस चीज़ की को प्रूव करे कि मैंने उसका इलाज गलत किया है, और फोरम जो कहेगा मैं पैसे उसको दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग TV के साथ। नमस्कार। We'll be right back.